हे गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू के बीटेक कोर्स के बारे में। तो अगर आप भी डीयू अपनी बीटेक करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डीयू में कौन कौन से कॉलेज हैं जो बीटेक प्रोग्राम ऑफर करते हैं, कौन सी ब्रांचेस हैं, यहाँ पे सीट्स कितनी है, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है, और यहाँ पे एडमिशन कैसे होते हैं, एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस तरह की सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डीयू में सिर्फ एक ही कॉलेज है जो आपका बीटेक प्रोग्राम ऑफर करता है, और उस कॉलेज का नाम है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। और यहाँ पे ब्रांचेस भी एक ही है, और वो ब्रांच आपकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। और ये जो आपका जो प्रोग्राम है ये 4 साल का कोर्स रहता है। और यहाँ पे सीट्स की बात करूँ तो सीट सर काफ़ी कम रहती हैं, टोटल सारे आपका सीट मिला के 50 सीट्स हैं। और यहाँ पे जो फीस लगती है, फीस भी यार काफ़ी कम है, काफ़ी अफोर्डेबल कॉलेज है। यहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस आपकी 5,000 रुपीज़ है, मतलब एक साल की फीस अगर जोड़ लें तो 10,000 रुपीज़। आपकी जो पूरी 4 साल की बीटेक है 40,000 रुपये में पूरी बीटेक कम्प्लीट हो जाएगी। तो यार ये काफ़ी अफोर्डेबल कॉलेज है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स की, तो प्लेसमेंट भी यार यहाँ पे काफ़ी सही जाती है। लास्ट ईयर यहाँ पे अमेजोन, फेसबुक, ऊबर, जोमेटो जैसी कंपनीज आई थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप करना होता है, और इंटर्नशिप करने के बाद उनके जो मार्क्स हैं इंटर्नशिप के यहाँ पे भी मार्क्स लगते हैं, तो इसलिए इंटर्नशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इंटर्नशिप के दौरान काफ़ी सारे बच्चों को तो PPO मिल जाता है, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, कि आप इंटर्नशिप जहाँ कर रहे होते हैं वो कंपनी आपको ऑफर दे देती है जॉब करने का, तो आपको डायरेक्टली वहीं से जॉब मिल जाती है। काफ़ी सारे बच्चों के साथ लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ था। तो कुछ ऐसा यहाँ पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का रहता है। तो मैंने आप लोगों को इस कॉलेज का एक बेसिक बता दिया है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो यार यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए या तो आप क्लास 12 में पढ़ते हों या क्लास 12 पास हो चुके हों, बाकी आप किसी भी स्ट्रीम से हों कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हों या साइंस से हों, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपने अपने क्लास 12 में मैथ्स पढ़ा हुआ हो। और इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके क्लास 12 में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप OBC से आते हैं तो मिनिमम 54% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम 57% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आप पास हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम आपका NTA कंडक्ट करवाता है, जिसे हम DUET बोलते हैं, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उसको बोला जाता है। ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे MCQ टाइप के रहते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। पूरा पेपर करने के लिए यहाँ पे आपको 2 आवर का टाइम दिया जाता है। और एग्जाम की लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज रहती है, मतलब इंग्लिश में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस एग्जाम में आपके टोटल जो सेक्शंस हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स रहती है, जिसमें आपके क्लास 12 के लेवल का क्वेश्चन रहता है। और इसके अलावा आपका इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहता है जहाँ से आपका पेपर बनता है। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होते हैं, तो यहाँ पे एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है। तो यार जब DU का फॉर्म निकलता है तो वही फॉर्म आपको फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एग्जाम देने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में आपको रैंक अलॉट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। जिस बच्चे की रैंक अच्छी होती है उनको यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यार एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, उनका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बेस्ट बुक कौन सी हैं, कट ऑफ कितनी जाती हैं, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इन सारी चीज़ों का लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर चेक कर लेना। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहाँ पे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा ऑल अबाउट DU BTech एडमिशन प्रोसीजर करके लिखा हुआ होगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारी वेबसाइट का लिंक है, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल को आप लोग पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वो देख लेना। और साथ ही साथ वहाँ पे कट ऑफ दे रखी है, बुक के लिंक दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे दे रखा है, तो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।
तो ये कुछ मैंने आप लोगों को बताया कि डीयू में किस तरह से यहाँ पे एडमिशन होता है बीटेक के कोर्स में, और बाकी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ पे मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और यार अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में मैं और जो वीडियोस लाऊं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।